शिमला जिला के रामपुर बुशहर में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या में विधायक की अनदेखी का रामपुर के कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने बताया कि मंच पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया। संध्या के दौरान मंच के अन्य अतिथियों का स्वागत और रामपुर बिस क्षेत्र के विधायक नंदलाल का स्वागत न करने पर ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कड़ा रोष जताया है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या में विधायक की अनदेखी का रामपुर के कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने बताया कि मंच पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया और राजनीतिकरण हुआ है। संध्या के दौरान मंच के अन्य अतिथियों का स्वागत और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल का स्वागत न करने पर ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कड़ा रोष जताया है। नारेबाजी के बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय गए और विधायक के अपमान का सांस्कृतिक मंच से ही माफी मांगने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के रामपुर आगमन पर काले बिल्ले लगाकर कांग्रेसी विरोध करेगी। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने बताया कि विधायक का भी सम्मान करते हैं और कोई भूल चूक हुई हो तो उस पर माफी मांगते हैं। बहुत जोर दिया गया और इन व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये जो एक फेयर था ये ऑर्गेनाइज किया गया था और तब से लेके आज तक ये फेयर मनाया जाता रहा है। इस ये जो मेला है ये ड्राई फ्रूट्स, गर्म कपड़े, भेड़ों का जो क्रय विक्रय, घोड़ों का क्रय विक्रय और अन्य बहुत सारी चीज़ें उनका क्रय विक्रय इसमें किया जाता है। ये व्यापारिक मेला के नाम से मशहूर है और इसके बाद जो है इसका स्वरूप थोड़ा सा बदलता गया। पहले इसकी लोकेशन रामपुर बाजार थी लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से और अन्य गतिविधियां बढ़ने के कारण फिर इसकी लोकेशन चेंज की गई। आजकल ये मेला जो है कॉलेज ग्राउंड में मनाया जाता है जिसमें लगभग 2,000 से 2,500 के आसपास व्यापारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हमारा 4 से 6 नवंबर तक घोड़ों की प्रदर्शनी लगती है जिसमें कि लाहौल स्पीति से, लद्दाख से चमूर्थी घोड़े के नाम से एक घोड़ा मशहूर है जो कि पहाड़ी एरिया में काफ़ी भार उठाता है, तो इसकी कैपेसिटी भी भार उठाने की ज़्यादा है और ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा सफल है, तो यहाँ इन घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए व्यापारी यहाँ पर आते हैं। साहिब सिंह मेहता ने बताया कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर भाजपा के लोगों को तवज्जो दी गई है, इस तरह राजनीतिकरण स्वीकार नहीं है। सांस्कृतिक मंच पर जनप्रतिनिधियों का अनादर हुआ है। उन्होंने बताया कि एसडीएम को मेमोरेंडम दिया, एसडीएम ने भी कबूल किया कि भूल हुई है तो माफी मांगेंगे। मुद्दा ये था कि चुने हुए व्यक्ति लोकतंत्र में जो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके साथ जो पिछली रात 11 तारीख को हमारे जो चुने हुए विधायक है आदरणीय श्री नंदलाल जी, उनको जो जिस तरह से स्टेज पे बुला के उनका सम्मान नहीं किया और इसको जो है एक छोटी सोच के साथ जो है पार्टी बेस बना दिया और पार्टी बेस में क्या ऐसे लोग जो कि डिजर्व ही नहीं कहीं करते उनको सम्मानित किया जा रहा है और जो इलेक्टेड लोग हैं 50-60 हज़ार 70 हज़ार वोटरों से जो चुन के गए हैं उनको अपमानित किया गया। इस